ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट। जब नितिन गडकरी जी ने पहली बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कार्यभार संभाला तो उन्होंने कहा कि हम जो विकसित देश हैं दुनिया के चार पांच, उनका जो ट्रैफिक मॉडल है, उनका जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसको स्टडी करने के बाद एक बहुत ही अच्छा एक्ट हमारे देश में लेके आ रहे हैं जिससे सड़क हादसों में बेतहाशा कमी हो जाएगी। और इस एक्ट की या कहें कि संशोधनों की मुख्य बात यही रही कि इसमें जो पेनल्टीज हैं, जो जुर्माने हैं, वो बेतहाशा बढ़ा दिए गए और जो हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें पुलिस और आरटीए शामिल हैं उसकी पावर्स को कम करने की बजाय पहले से भी ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन न्यूज़कास्ट के इस एपिसोड में आज हम आपको तीन ऐसी खबरें दिखाएंगे और तीन ऐसे वीडियोस दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मोटर व्हीकल एक्ट के नाम पर, ट्रैफिक वायलेशंस के नाम पर, किस तरह से जो हमारी पुलिस है वो आम लोगों के साथ पेश आ रही है। तो जो पहली खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश से। वहाँ के सिद्धार्थ नगर में दो पुलिस वालों ने, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल शामिल है, उन्होंने एक बाइक सवार को इतनी दरिंदगी के साथ पीटा है कि उसको बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसके पास ज़रूरी कागजात नहीं थे अपने बाइक के, लेकिन वो पास के गाँव का ही था। उसने ये भी कहा कि मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने घर से ला कर आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जो बड़ी बात इस घटना में ये रही कि जिस दरिंदगी के साथ इस बाइक सवार को पीटा गया, ऐसे लग रहा था जैसे पुलिस वालों के हाथ में कोई टेररिस्ट या फिर कोई रेपिस्ट आ गया हो। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि हाल ही में यूपी के अंदर 2.5 साल से लेकर 10 साल तक की बच्चियों के कई रेप के केस सामने आ चुके हैं, लेकिन उस केस के अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस का खून इस तरह से नहीं खौलता जैसे इस केस में हुआ है। सिर्फ गाड़ी के कागज ना होने पर इस तरह की जो दरिंदगी यूपी पुलिस ने दिखाई है, ये घटना देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद हमने मोटर व्हीकल एक्ट को 2-3 बार और दोबारा से पढ़ा ये देखने के लिए कि कौन से सेक्शन के अंदर जो है वहाँ की यूपी पुलिस ने ये कार्रवाई की है, किस समय हमारी जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है उसने ये एक्ट बना दिया, ये अमेंडमेंट ला दी है जिसके अंदर पुलिस के पास ये अधिकार आ गए हैं कि अगर आपके पास कागज नहीं है तो इस तरह से आप किसी को दरिंदगी के साथ पीट सकते हैं। आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से उसके ऊपर चढ़ चढ़ कर उसे पीटा गया, थप्पड़ मारे गए, लातें मारी गई, जहाँ तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने तक की कोशिश वहाँ पर की गई। और सबसे बुरी बात और दिल तोड़ देने वाली बात ये थी कि जब इस शख्स की पिटाई हो रही थी उस समय उसके पास और उसके साथ उसका एक छोटा लगभग 5-6 साल का बच्चा भी था जो ये पूरी घटना देख रहा था। लेकिन कार्रवाई के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने या उत्तर प्रदेश का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने सिर्फ इन दोनों को सस्पेंड किया है। जी हाँ, और कुछ ही महीनों के बाद ये दोनों लोग दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से सड़कों के ऊपर आंतक भी मचाएंगे और करप्शन भी करेंगे, और इनको जो पुरानी इनकी सैलरी है वो भी आज नहीं तो कल दोबारा से मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारे जो पुलिस वाले हैं सड़कों के ऊपर उनकी मैक्सिमम सजा यही होती है कि 1-2 महीने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में बहाल कर दिया जाता है। कभी भी हमने एक खबर सुनने में नहीं आती है कि रिश्वत लेने के मामले में या आम लोगों को पीटने के मामले किसी को टर्मिनेट कर दिया गया हो। इसी वजह से ये जो कॉन्स्टेबल या पुलिस के अन्य अधिकारी जो भी इस तरह का बर्ताव करते हैं उनको किसी तरह का कोई डर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी तरह की कार्रवाई जो है उनके ऊपर नहीं होगी। इसके बाद चलते हैं यूपी के ही दूसरे शहर नोएडा में। वहाँ पर एक 35 साल के आईटी प्रोफेशनल गौरव, वो अपनी कार के अंदर नोएडा के अंदर ही सफ़र कर रहे थे। साथ में उनके माँ बाप थे, उनके पिताजी अगली सीट के ऊपर बैठे थे उनके साथ में, और उनके जो मदर थे, माताजी थे, वो पिछली सीट पर बैठे थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि रास्ते में चेकिंग चल रही है, उनकी सीट बेल्ट वगैरह लगी थी, तमाम डॉक्यूमेंट उनके पास थे, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया वो ये देखकर थोड़ा चौंक गए।
पहले ही गाड़ी को देखते ही उन्होंने डंडे मारकर गाड़ी को रोका, और उसके बाद जब गौरव बाहर निकले डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए तब भी ये आरोप है उसके गौरव जी के पिता का कि उनसे बदतमीजी से, इतनी ज़्यादा बदतमीजी से बात की गई कि जो गौरव थे वो काफ़ी शॉक में आ गए, और वो एक डायबिटिक पेशेंट थे, उनको शुगर की बीमारी थी जिसके चलते उनको वहीं पर हार्ट अटैक आ गया, वो सड़क के ऊपर गिर गए। उसके बाद उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया और जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। गौरव के पिता का क्या कहना है इसके बारे में आप देख सकते हैं। मेरी बच्ची को कौन देखभाल करेगा, कौन उसको लुक आफ्टर करेगा? मेरी 5 साल की पोती है, मेरी उम्र 65 साल है, मैं कितने दिन जीऊँगा? कौन उसको ग्रोन अप करेगा? कौन उसको अच्छी तरह से सुविधाएँ देगा? क्या करेगा फिर? कि आप आराम से कहिए कि भाई आप गाड़ी को इधर लगाइए, आप चेक करिए जो भी आपको चेक करना है, या तो कहो ये आपको कभी रैश ड्राइविंग दिखाई दे रही हो, या किसी को आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही हो, या गाड़ी में कुछ ऐसा हो कि भाई जो ये बड़ी गलत चल। गाड़ी में 2 बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, बेटा बैठा था, इस तरीके से जो डंडे मारने वाली बात थी, ये जो है ना, इस तरीके का चेकिंग का कोई रूल नहीं है। तो उनके पिता ने साफ कहा कि अगर सिर्फ उनके जो कांस्टेबल वहां पर मौजूद थे, जो ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद थी, अगर वो सिर्फ प्यार से ही उनके बेटे से बात करते, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करते, कोई गलती थी जुर्माना कर देते, लेकिन इस तरीके से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। उनके इस बिहेवियर की वजह से आज उनके बेटे की जान चली गई है और अपने पीछे वो एक 5 साल की बच्ची छोड़ गए हैं जिसको संभालने वाला, देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है। वहीं नोएडा के एसएसपी ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए फटाफट जो अपने अधिकारी थे उनको क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कह दिया है साफ कि कोई मिसबिहेव नहीं हुआ है। जब एसएसपी ने कह दिया है तो कौन इस मामले की जांच करेगा, कौन इन लोगों को न्याय दिलवाएगा? तीसरा जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि देश के कौन से हिस्से से आया है। बात आगे करने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आपको ये वीडियो सीरियस भी लग सकता है और फनी भी लग सकता है। अगर आप इसको ध्यान से आपने सुना तो शुरू में जो पुलिस वाला है वो उसको कह रहा है कि 2000 रुपये कैश मुझे दो, नहीं तो तुम्हारा 15000 रुपये का चलान काटा जाएगा और वो चलान भी तुम्हें कोर्ट में जाके भुगतना होगा। लेकिन जो बाइक सवार है, उसका बाइक आप देख सकते हैं सड़क के ऊपर खड़ा है, वो पैसे देने से मना करता है। उसके बाद पुलिस वाला उसकी जेब में हाथ डाल के पैसे निकालने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर वो बेहद खफा हो जाता है और वहाँ पर उनके सामने अपने कपड़े उतारने शुरू कर देता है। जब पुलिस वालों को लगता है कि जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, उनकी यहाँ पर बेइज्जती हो सकती है, तो वह वहाँ से फटाफट अपना बाइक जो स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो बाइक लेकर गए, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पुलिस वालों ने कोई भी हेलमेट नहीं पहन रखा है, और अगर इनकी वर्दी देखी जाए तो वर्दी भी जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है उस हिसाब से नहीं पहनी गई है। ये भी हो सकता है कि ये जो वीडियो है वो किसी ने मजाक के रूप में बनाया हो, लेकिन अगर ये मजाक है तो भी बहुत सही बनाया है, क्योंकि ऐसे ही हालात सड़कों के ऊपर हैं। और अगर ये वीडियो सही है तो और भी गंभीर बात है, जिस तरह से जेबों में हाथ डालकर लुटेरों की तरह पुलिस व्यवहार कर रही है वो बेहद शर्मनाक। हमारी सरकार ने विदेशों का जो फाइन सिस्टम है, पेनल्टी सिस्टम है, उसको तो कॉपी और पेस्ट हमारे देश में कर दिया है, लेकिन जो उनका बाकी का तंत्र है, जिस तरह से उनकी पुलिस आम लोगों से पेश आती है, उनका जो आरटीओ स्टाफ है, उनका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, जिस तरह से लोगों के साथ पेश आता है, वो जो सारा सिस्टम है उसको कॉपी करना शायद हमारी सरकार भूल गई है। जो पेनल्टी सिस्टम हमारे देश में है उसको लेकर आजकल काफ़ी चर्चा हर घर में, हर फोन के, हर व्हाट्सएप ग्रुप में हो रही है। हमारा यहाँ पर यही कहना है कि अगर हमारे देश की जो पुलिस है या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, अगर वो भ्रष्टाचार मुक्त होता, अगर जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सिर्फ अपनी जो जेबें भरने के लिए या फिर सरकारी खजाना भरने के लिए ही चलान ना करते होते तो ये पेनल्टी सिस्टम बुरा नहीं था, लेकिन सिर्फ पेनल्टी सिस्टम लगा देना, ज़्यादा जुर्माने लगा देना और बाकी चीज़ें ठीक ना करना,
ये एक बहुत ही गलत कदम साबित होता दिख रहा है। बाकी आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से लोग इसके ऊपर आगे रिएक्ट करते हैं। आपकी सिचुएशन के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो ट्रांसपोर्ट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाए बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।